तो गाइस 2024 ऑलरेडी शुरू हो चुका है ना, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो भी ये साल हमको टीम्स देखने को मिलने वाली हैं वो क्या हो सकती हैं। एंड नॉट ओनली दिस, कुछ फेमस प्लेयर्स हमको टीम्स में से जाते हुए भी दिख सकते हैं। तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं क्लच गॉड एंड शैडो के रिलेटेड फ्रॉम टीम न्यूमैन। अब वैसे तो गाइस ऑलरेडी मैंने आपको 6 दिन पहले हमारे इंस्टाग्राम से बता दिया था कि टीम न्यूमैन के प्लेयर्स हमको न्यूमैन में कंटिन्यू करते हुए नहीं दिखेंगे। इसके बाद गाइस मैंने आपको बताया था कि सविता न्यूमैन का पार्ट नहीं रहने वाले हैं। एंड आज टीम न्यूमैन के दो प्लेयर्स क्लच गॉड एंड शैडो के रिलेटेड इनसेन एनन ने रिएक्ट किया कि वो हमको किस टीम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप देखिए व्हाट ही सेड। क्या लगता है शैडो लाला किस और में जा रहे हैं? शैडो लाला के बारे में भाई मैं बताऊंगा, मतलब अभी तो मेरे ख्याल से ना दे स्टिल इन टॉकिंग टर्म्स विद जीटी राइट नाउ आई बिलीव, बट मतलब प्रोबेबली जीटी, प्रोबेबली सम अदर ऑर्ग। एंड गाइस नॉट ओनली दिस, टीम न्यूमैन के एक और प्लेयर थे गिल, उनकी तरफ से भी हमको एक स्टोरी देखने को मिली जहां पर उन्होंने ये लिखा अब वो टीम न्यूमैन का पार्ट नहीं रहे हैं, नॉट अ पार्ट ऑफ टीम न्यूमैन एनीमोर, न्यू ईयर न्यू बिगिनिंग्स। तो यार गाइस अगर इसके रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको इंस्टाग्राम से बता दूंगा। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम सोल के रिलेटेड। तो गाइस टीम सोल के रिलेटेड भी लीक ऑलरेडी मैंने आपको 8-9 दिन पहले दे दी थी। एंड फाइनली अब इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिली, वो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। तब भी गाइस अगर अभी तक भी आपने हमारी इंस्टाग्राम फैमिली ज्वाइन नहीं की जल्दी से कर लो, काफी सारी लीक्स एंड न्यूज सबसे पहले वहीं पर आती हैं। एनीवेज गाइस टीम सोल के अनाउंसमेंट के बाद कुछ देर के लिए ये चीज ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रही थी, वो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, टीम सोल #2 ट्रेंडिंग। एंड फिर ये चीज पर रिएक्ट करते हुए सिड भाई ने ये लिखा लेवल ही अलग है दोस्तों, अभी करी नहीं तो गाइस वो ट्रेंडिंग पेज से हट चुका है, बट वो ट्रेंडिंग पेज में आया, दैट्स अ बिग विन फॉर ई स्पोर्ट्स। एंड गाइस टीम सोल के अनाउंसमेंट के रिलेटेड बात कर रहे हैं, अब देख लेते हैं कुछ रिएक्शन। घातक भाई ने इस पर गोल्डी भाई, थक भाई एंड मॉडल को टैग करते हुए ये लिखा BGMI स्पोर्ट्स रेडी। एंड फिर प्लेयर्स को टैग करते हुए उन्होंने ये लिखा हैप्पी फॉर यू गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। सिड ने सब प्लेयर्स को टैग करते हुए ये लिखा आपको पता है कि आपको क्या करना है सोल्जर्स, खुल के प्यार दो सबको। बट गाइस फिर सुनील ने अपनी स्टोरी से ये लिखा 6 रीजंस के लिए मैं खुश हूं बट मेजरली डिसअपॉइंटेड फॉर वन। अब गाइस यहां पर तो स्नेहल ने किसी का नाम मेंशन नहीं किया, बट अगर हम पास को देखें तो लुक्स लाइक वो मायावी की बात कर रहे हैं, ऑफिस एडिशन इन टीम सोल। एंड गाइस फिर गोल्डी भाई ने एक स्टोरी को शेयर किया था जहां पर ये लिखा हुआ है ए ट्रेंड स्टार्टेड बाय ऑडियंस ओनली। ये चीज को शेयर करते हुए गोल्डी भाई ने इसमें ये लिखा ग्रेटफुल टू ऑल द ढोलक। एनीवेज गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं गोल्ड लाइक लोस वर्सेस एक्स सोल नियो के रिलेटेड। तो गाइस आगे मैं आपको पूरा मैटर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कहाँ से चीजें शुरू हुई एंड क्या हमको इसमें रिप्लाईज देखने को मिले। तो गाइस पिछले 4 दिन में जो टाइम पर भी लोल्स अपनी लाइव स्ट्रीम कर रहे थे हर रोज उनकी एक टीम से फाइट हो रही थी। एंड पिछले 4 दिन में गाइस ये हुआ 5 बार, जो कि अगर हम एक जनरल सेंस से सोचे तो पॉसिबल नहीं है कि 4 दिन तक हर रोज एक ही टीम आपके मैच में आ जाए। ऑब्वियसली इसके बाद गोल्ड लाइक लोस थोड़े सबसे पहले उन्होंने इस पर ये रिएक्ट किया था। यहाँ पर गाइस वो बात करेंगे एक्सो लियो की, आप देखिए वो जिनके साथ खेला है वही अपने मैच में आए थे अभी लास्ट गेम, वही लोग स्ट्रीम स्नाइप करके घुस रहे हैं। अभी अपने को ये नहीं पता कि उसके आईडी से कौन खेल रहा है, अपने को कुछ नहीं पता है, तो डायरेक्टली अपन कुछ नहीं बोलेंगे। जिस दिन पता चलेगा कि हाँ डायरेक्टली वो है उस दिन मैं बजूंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं रहने दो। मेरे को क्या रहेगा ज्यादा से ज्यादा 20-30 मैं वो रिकवर कर लूंगा, बट वो 20-30 से अच्छा तुमको तुम्हारी इज्जत प्यारी हो तो फिर मत करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। अगर नहीं देख पा रहे टॉप पे तो मुंह पे आके बोल दो, मैं तुमको क्लियरली एक चीज़ बोल दो, मैं तेरे से अच्छा नहीं खेलता हूँ, तुम बहुत अच्छे प्लेयर हो, तुम कॉम्पी प्लेयर हो, तो आप प्लीज वहाँ पे परफॉर्म करो यहाँ आके अपनी। एंड इसके बाद गाइस गोल्ड लाइक लोल्स ने बात की एक्सो लियो से, एंड वहां से जो भी कंक्लूजन निकला वो चीज को एक्सप्लेन करते हुए लोल्स ने ये कहा मेरी नियो से बात हो गई, हम कॉल पे थे, मैं उससे क्लियरली वही पूछा कि भाई क्या सीन है, तो उसने बोला कि मैं नहीं कर रहा और मेरे को पता भी नहीं है। ये बताओ कि 4 दिन में लगातार एक ही बंदा, एक ही टीम, एक ही स्क्वाड 4 दिन में 5 बार मैच में आ पाए, तुमको लग रहा है पॉसिबल है? एक परसेंट भी पॉसिबल है वो नहीं है। तो मैं वही नियो से बात किया कि भाई देखो नियो, जो भी हुआ भूल जाओ, बाकी कुछ हो नहीं रहा है इसमें, कोई कंक्लूजन नहीं है। मैं उसको वही बोला भाई देखो बाई चांस अगर तुम कर रहे हो तो मत करो, तो बोला मैं नहीं कर रहा, तो उसने एक बंदे को कॉल पे ऐड किया। मेरे को डाउट गया उस पर, अभी भी मेरे को डाउट है, मैं उससे बात हुई, वो बंदा थोड़ा मेरे को लग रहा है कि ये सारी जो चीज़ें है ना वो कर रहा है एंड नियो को पता नहीं है। एंड और एक चीज़ मैं बता दूँ, विजगॉड नहीं है ठीक है, मैं सुबह उठा पहले विजगॉड को ही पकड़ा, मैं विजगॉड को बोला भाई क्या सीन है, देखो मेरे से क्या दिक्कत है, वो बोला अरे क्या हो गया, तो वो विजगॉड नहीं था ठीक है, वो विजगॉड नहीं है, वो जो भी बंदा है वो सेकंड अलग ही बंदा है, कोई और ही है। तुम सोल फैन हो चाहे तुम गॉड लाइक फैन हो, कोई भी हो, बट देखो यहाँ पे जो चीज़ गलत है वो गलत है, एक्सेप्ट करो, खुद का भी कभी एक्सेप्ट करो। पहले दिन 2 बार आए, मैं क्या बोला सेकंड बार में बहुत अच्छा मारा, वो जो फ्लैंक करके नहीं होने मारा बहुत अच्छा मारा। सेकंड डे पे आए मैं बोला अच्छा मारा, थर्ड डे पे आए तो मैं बोला डाउट गया कि वो फेक हो सकते हैं, फोर्थ डे पे आए तो दिमागी मेरा खिसक गया तो मैंने भर दिया। और मैं एंड तक ये बोला था कि अगर वो डुप्लीकेट रहा तो, मैं उसको कॉल पे भी ये बोला,
ये भाई तू बहुत अच्छा खेलता है बट ये सारी चीज़ों में मत पड़, बेटर है तुम लोग बहुत सही खेलते हो एंड तेरे अपकमिंग प्लान्स भी मेरे को पता है तो बहुत सही वे पे जा रहे हो, आप करते रहो, तुम अपना गेम प्ले पे फोकस दो। एनीवेज गाइस, नेक्स्ट एक अपडेट है टीम गोल्ड लाइक के रिलेटेड जो कि निकल कर आती है इनसे नरीना की तरफ से। तो गाइस उन्होंने रिएक्ट किया टीम गोल्ड लाइक एंड जेली की आईजी लिंक पर, आप देखिए। तो जेली अब गोल्ड लाइक में गया है, नए प्लेयर्स है वहां पे, नए प्लेयर्स एज इन प्लेयर्स तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है बट द थिंग इज जेली उनके साथ, वो जेली के साथ यू नो इट्स अ न्यू एनवायरमेंट फॉर ऑल ऑफ देम। तो जब एक नया एनवायरमेंट होता है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, नई पुरानी चीजें ट्राई की जाती हैं, सो प्रोबेबली दे आर ऑल गोइंग थ्रू दैट फेज। वंस दिस फेज इज ओवर द कमबैक इज मोस्ट सर्टेनली गोइंग टू कम। टीम गॉडलाइक नोज इट, क्रॉन्टन भाई नोज इट, जोनाथन, एवरीवन दे आर पुटिंग इन देयर एफर्ट्स। ऐसा नहीं है ज़ीगॉट कुछ एफर्ट्स डाल रहा है, नए नए प्लेयर्स को ट्राई कर रहे हैं, ओपनली ट्राई कर रहे हैं, तो भाई कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है, वो अभी भी प्लानिंग फेज में है, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। जिस दिन वो वर्क इन प्रोग्रेस खत्म हो जाएगा गॉडलाइक का कमबैक आएगा, दिस इज व्हाट आई बिलीव एंड आई थिंक एवरीबॉडी शुड अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज इतना आसान नहीं होता ना कुछ भी कि यार ऐसा थोड़ी कि जेली गया और भाई हर बार चिकन डिनर वाली रोटेशन दिलवा देगा, ऐसा नहीं होता यार। एंड गाइस नेक्स्ट उन्होंने बात की गोब्लिन एंड एकोनॉक्स के रिलेटेड, जो कि ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि माइंड भी पॉसिबल ये दो प्लेयर्स हमको रेवेनेंट में देखने को मिलेंगे, बट स्टिल गाइस अभी तक वो लीक सी थी, बट उन्होंने टीम मैनेजर से बात की, वो भी आप देखिए। तो टॉम मेरे को ये बता कि आरएनटी में मैं वैसे ही मतलब बाकी तेरा कॉल है, देखो हिंट्स आई थी दो बहुत बड़े प्लेयर्स की, ठीक है। अब वो लीक्स तो देख सबको पता ही है, वो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता ही है, बट क्या उसमें से कितना कंफर्म हुआ है अभी, कितना डाइसी है, मतलब दोनों का कंफर्म हो गया नहीं है, क्या है? कंफर्म तो दोनों का कंफर्म है। अब तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक आएगी? आएगी आई गेस फर्स्ट वीकेंड तक आ जाएगी। है तो मतलब गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है बीजीएमआई में एक न्यू और कार्निवल ईस्पोर्ट्स के रिलेटेड। तो गाइस कार्निवल ईस्पोर्ट्स के रिलेटेड ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कौन इसके ओनर है, क्या फ्यूचर में हमको टीम देखने को मिल सकती है। तो गाइस फॉर द फर्स्ट टाइम कार्निवल ईस्पोर्ट्स के ओनर लाइव आए हैं, उन्होंने बात की टीम के रिलेटेड, आप देखिए। कार्निवल के अनाउंसमेंट आ जाएगी गाइस दो चार दिन में जल्दी से ही, अभी तो थोड़े हम लोग प्लान कर रहे हैं कार्निवल के बारे में, तो हो जाएगा, जीतना तो है। और गाइस आप देख लेते हैं कुछ रिएक्शन रिलेटेड टीम सोल। तो सबसे पहले जोकर की हवेली ने ये कहा, गाइस एक चीज तो सोल फैंस मतलब पूरे एसटीएल फैंस को खड़े रहकर एक साथ सलामी ठोकनी पड़ी भाई, मतलब पता होने के बाद काफी लोगों को हिंट था कि भाई यही लाइनअप आने वाली है, उसके बावजूद भी पीक वॉचिंग 70,000 माय गॉड भाई, मतलब पता होने के बाद ये हाल है भाई। अगर नहीं पता तो मेरे ख्याल से 1 लाख तो क्रॉस ही था भाई वॉचिंग भाई, लेकिन बट देन यार 70,000+ वॉचिंग, मतलब जो ये सोल फैंस है ना भाई क्रेजी है भाई, एसटीएल जो भी मतलब पूरा एसटीएल पकड़ के चलो भाई, जो ये फैंस है ना भाई क्रेजी बॉन्डिंग है भाई आप लोगों की, और ऐसे ही रहना 2024 में। इसके बाद गाइस उन्होंने लाइव कॉल की थी एस पावर को, वो भी आप देखिए। इलायची के लिए कांग्रेचुलेशन पावर, क्या कर रहा है? सही है, चल पापा को मेरा नमस्ते बोल, मम्मी को भी, ठीक है? याद किया बोल जोकर ने, ठीक है? क्या बोल रहा है? सब भेजूंगा ट्रेनिंग ड्रिल, टेंशन मत ले, साथ में मैं ड्रिल शेयर करूंगा, टेंशन नहीं, ठीक है? चल ख्याल रखा, हाँ हाँ, बाय बाय बाय। एंड फिर ये चीज पर रिएक्ट करते हुए काश प्लेज ने ये कहा, दिस सोल इज गोना स्मैश इट, सोल पावर, एसएम एस पावर स्टैंड्स फॉर सोल, क्रेजी गाइस क्रेजी, क्या ही 70 के वाचिंग, हाँ ब्रो क्या ऐसा लाइनअप अभी देखा है क्या? अगर आप एक्साइटेड हो 2024 के सोल के परफॉर्मेंस के लिए प्रेस 1, दिस वाज गोना बी मैड ब्रो, दिस लाइनअप इज। एंड गाइस फिर गोल्ड लाइक क्लोज ने भी इस पर रिएक्ट किया, वो भी आप देखिए। ब्लाइंड का पूरा लाइनअप सोल ने ले लिया, बढ़िया यार, देखने गए परफॉर्मेंस सेम रहता है कि ऊपर नीचे होता है, क्योंकि भाई अभी आएगा ऑडियंस का थोड़ा बहुत तो प्रेशर आएगा ब्लाइंड वाली टीम को, वो देखना कैसे हैंडल कर रहे हैं वो लोग, पता चल जाएगा वो पहली टूर्नामेंट पे, बट बढ़िया है, मेरे को ऑलरेडी पता ही था वो चीज़, ऑलरेडी पता था, एक दो वीक पहले ही पता चल गया था, बट अभी वही ऑडियंस हैंडल कर पा रही है कि नहीं वो मेरा। तो बस गाइज फिलहाल की वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद आए तो गाइज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।